ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में भाजपा और कांग्रेस में बाक युद्ध छिड़ चुका है। नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को बाणी पर विराम देने की सलाह दी है और चुप न रहने की सूरत पर घेराव की भी चेतावनी दी थी। इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से तिल मिला गई है। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सरदार सिंह और शहरी अध्यक्ष अंकुश सूद ने प्रेस वार्ता का जवाब प्रेस वार्ता से ही दिया। सोलन में भाजपा और कांग्रेस में बाक युद्ध छिड़ चुका है। नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल की वाणी पर विराम देने की सलाह दी है और चुप न रहने की सूरत पर घेराव करने की भी चेतावनी दी थी। इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से तिल मिला गई है। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सरदार सिंह और शहरी अध्यक्ष अंकुश सूद ने प्रेस वार्ता का जवाब प्रेस वार्ता से ही दिया और कहा कि नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष जिनका खुद का वार्ड आज की दिशा में गंदगी के भंडार से भरा हुआ है, जिनके वार्ड में विधायक निधि के पैसे से विकास करवाया जा रहा हो, वह आज कर्नल धनीराम शांडिल से विकास का हिसाब मांग रहे हैं और जो कि एक दुख का विषय है। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि सोलन में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वे सभी कार्य विधायक निधि से ही चल रहे हैं। सामती बाईपास हो या रेस्ट हाउस की पार्किंग या पैदल पथ, यह सभी कार्य धनीराम शांडिल के ही देन हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने सोलन में खुद तो विकास का एक भी कार्य पिछले दो वर्षों में किया नहीं, बल्कि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें भी रोड़े अटका दिए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी है कि कर्नल धनीराम शांडिल के घेराव की बात कह रहे हैं तो वह भी उस घेराव का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। लोकप्रियता तो उन्होंने हासिल की है नगर परिषद के अध्यक्ष होने के बाद, आज एक पार्षद की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जहां तक कामकाज की जो उनकी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, मेरा उनसे एक ही कहना है कि भी वो अपने जिस वार्ड के वो पार्षद हैं उस वार्ड में लोगों की सेवा करें और वहां के कामकाज और वहां जो गंदगी का जो आलम है जिसे शांडिल साहब ने अभी पीछे वार्ड्स में जाते वक्त देखा था, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें अपने वहाँ लोगों की सेवा करनी चाहिए और लोगों के काम करने चाहिए जिसके लिए लोगों ने उन्होंने पार्षद चुना है। घेराव की बातें हैं तो घेराव वो अपने कर्मों के जो नगर परिषद की जो कारनामे हैं, काम हैं, लचीला रवैया है उसका घेराव करें। और अगर वो शांडिल साहब के घेराव करने की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी उसका जवाब देना जानती है और वक्त आने पे जरूर देगी। पिछले दो साल यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है, वो एक भी चीज़ बताएं, वो बड़े अपने आप को कद्दावर बनते हैं या समझते हैं या हैं, बताएं कि भी एक भी कोई ऐतिहासिक फैसला कोई ऐसा दो सालों में जो सोलन के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिया गया हो तो वो बताएं। जहां तक 463 करोड़ रुपए के श्वेत पत्र भी उन्होंने मांगने की बात कही है तो वो सरकार में बैठे हैं, सरकार उनकी है, वो वहां से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बही शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि अगर भाजपा को घेराव करने का ही शौक है तो पहले जाकर नगर परिषद का घेराव करे, क्योंकि नगर परिषद की अव्यवस्थाओं से आज शहर का हर नागरिक दुखी है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था चौपट है, शहर से कूड़ेदानों को हटाकर स्वच्छ सोलन को कूड़ेदान बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष से पानी के मुद्दे को लेकर उलझे हुए हैं। कुछ ही समय बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मत भाजपा के पार्षद डालते रहते हैं। अंकुश सूद ने कहा कि उनके नेता कोई भू माफिया नहीं है कि वह जहां जाएं वहां आलीशान बंगला बना लें। इसके लिए कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता विधायक धनीराम शांडिल रेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में रहते हैं ताकि वह शहर वासियों की समस्याओं को सुन सके। कि जो कांग्रेस के विधायक हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी, वो बीजेपी के विधायकों की तरह कोई भू माफिया नहीं है कि जहाँ पर जो भी कोई प्रोजेक्ट मिल निकला या जिस गांव में भी जहाँ पर भी सड़क बनाई वहीं पर अपने लिए एक जमीन खरीद के एक आशियाना बना डाला। कर्नल धनीराम शांडिल एक ईमानदार और सच्चे पक्के नेता हैं। यही कारण है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ना बनाते हुए रेस्ट हाउस के सरकारी कमरे में रहते हैं। सिर्फ 12x12 का कमरा है। आप आइए, जिस कमरे की बात
बीजेपी वाले करते हैं। आइए और उस कमरे में रह के देखिए जरा कि जो डॉक्टर होने के बाद, रिटायर्ड कर्नल होने के बाद, दो बार एमपी रहने के बाद और दूसरी बार एमएलए चुने जाने के बाद भी एक इतनी सिंपल लिविंग लाइफ जी रहे हैं। किस लिए? लोगों के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। वे जानते हैं कि अगर वो बड़े बड़े महल बना देंगे, वहाँ बड़े बड़े कमरे बना देंगे तो आम जनता को उन तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है वो रेस्ट हाउस में रहते हैं, जो कि एक सरकारी जगह है जहाँ पर हर एक आम आदमी आकर जो है अपनी बात रख सकता है। शायद इसी बात की जो मिर्ची है वो दूसरी पार्टी को लग रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर घेराव करेंगे। अरे अगर आपने घेराव करना है तो सबसे पहले आप उस नगर परिषद का जाके घेराव कीजिए जिसने सोलन में सारे डस्टबिन उठा दिए और पूरे सोलन को ही जो है वो कूड़ेदान बना दिए हैं। जो तो हमारे साथ लगते इलाके हैं शहर के, वो तो इतने परेशान हैं कि घर का कूड़ा कहाँ फेंकें, कहाँ ले जाएं और क्या ना कर दे, इतनी मुश्किल उनको आ रही है क्योंकि डस्टबिन है नहीं। डस्टबिन ना होने की वजह से लोग सारा कूड़ा जो है सड़क पर फेंक रहे हैं। सड़क पर कूड़ा होने की वजह से वहाँ बंदर और कुत्तों की समस्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हर रोज हर आदमी को उससे दो चार होना पड़ रहा है। तो अगर आपने घेराव करना है तो जाके आप उस कमेटी का कीजिए जो सोलन को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रही है, कि जो कमेटी खुद ही काम नहीं कर पा रही है और आपसी गुटों में बंधी हुई है। उनके ही पार्षद कभी एक चेयरमैन को हटा रहे हैं, दूसरे को बना रहे हैं, जिसको बना रहे हैं उससे भी खुश नहीं है और उनकी नीतियों से भी खुश नहीं है।